ये देखो जबरदस्त फिग। मजे दिखाता हूँ, ये है इसका दरख्त, ये ऊपर भी है, ये देखिए जैसे कि ये नजर आ रहा है, ये बिल्कुल पक्का हुआ है। ये फिग है, ये भी फिग है, और इधर भी एक जबरदस्त पका हुआ है। क्या ये देखें, ये जबरदस्त किस्म का फिग है, और ये बड़े पड़े हैं यहाँ पे, और कितना खाएं। ये है अंदर से प्योर हंजा का अंजीर। थैंक यू। ये वाले ना, ये सारे सेब है, ये भी सेब है, ये भी सेब है, ये सारे सेब है। ये चेरीज है, ये वो है पीच, ये नीचे वाले चेरीज है। ये जो बड़ा दरख्त नजर आ रहा है वो ये वॉलनट का है, और ये बादाम है। ये घुमाएं, ये वाला बादाम है, ये बादाम का दरख्त होता है। तो अल्लाह का शुक्र है इस बाग में सारे फलदार दरख्त है। बादाम है, अखरोट है, चेरी है, सेब है, फिग है, और पीच है, पियर है, सारे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हंजा एप्रिकॉट का सीज़न स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये सारा जो ना, ये एप्रिकॉट इस तरह सुखाते हैं, ड्राई एप्रिकॉट, ठीक है। तो ये राका पोशी, और इसी के साथ ये रास्ता, ये है जी खुबानी। अब पता ही क्या है, मैं गाड़ी लेके जाना था, ये सामने गेट, गेट से गाड़ी निकालना था, ये रहा हमारी गाड़ी। अब इधर से निकालने के लिए हम लोग फंस चुके हैं। ये देखो, ये सारे खुबानी खुबानी है, ये खुबानी है, ये सारे नीचे इधर, ये है ना, इसमें भी सारे खुबानी है ये वाले। अब इसमें जो ना सल्फ़र लगाएंगे, प्लास्टिक बंद करके 24 घंटे के लिए सल्फ़र, फिर उसके बाद जो ना इसको ड्राई कर लेंगे, फिर ये जाके सेट हो जाएगा। अब ये मेरी गाड़ी भी फंस गई है, मैं बाहर कैसे जाऊँ। सारा खुबानी खुबानी है, खुबानी का सीज़न है। हाँ जी, आए हाय, आए हाय। हेलो, मैं हूँ शेफ हमीद। बेसिकली मैं लाहौर में होता हूँ, लेकिन अभी हंजा आया हूँ। आज बागात के लिए पानी आए थे, बाग को पानी दे के आ रहा हूँ। ये है जी मेरा गलचा, ये नीचे मेरे शूज, ये वाले, और ये टॉर्च। और आज है 18 जुलाई, और टाइम हो चुका है सुबह के 5 बज चुके हैं। और ये देखें जी, हंजा का ये नज़ारा है, और इसको कहते हैं सनराइज। सुबह के टाइम पे इस तरह से सूरज निकलता है, पहली किरण ये जो राका पोशी है ना, इसके ऊपर पड़ती है, फिर धीरे 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 पूरा हंजा में रोशनी फैल जाता है। तो बात ये है कि इस टाइम ठंड बहुत है, आप देख सकते हैं मैं एक हुडी पहन के बैठा हुआ हूँ। तो ये हमारा घर है, और इस टाइम हंजा में फ्रूट का सीजन है। फ्रूट अभी कच्चे हैं, प्रॉपर नहीं पके हैं। अगर मेरा कैमरामैन घुमाए तो ये देखें, ये है जी पियर, जिसको उर्दू में हम नाशपाती भी कहते हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त है ये। ये मतलब तकरीबन कोई हार्डली एक पहिया जितना वो होता है, एक नाशपाती। और इसी तरह ये देखें ऊपर एप्पल, और इसी तरह ये सारे एप्पल के दरख्त हैं। ये जिसको काला कोला कहते हैं, फाइव स्टार वो है, ये गोल्डन है, इसी तरह ये देसी है, और इधर बहुत सारे जो ना फ्रूटी फ्रूट है। और देखा जाए तो अगर जन्नत देखना है तो आप
हमजा को देख लें, तो इसलिए कहते हैं हमजा को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं एंड हेवन ऑन द अर्थ भी कहते हैं, और नो डाउट अरे इससे बढ़ के और जन्नत क्या होगी। पानी बह रहा है, नदियां है, बर्फ़पोशी है, ये स्टिल शाइनी मून अपस्टर एंड ब्लू स्काई। रात के टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा था कि यहाँ पे ना एक तारों की जरमट यानी कि एक चादर बिछी हुई है, लेकिन अभी रोशनी हो गई इस वजह से तारे तो खैर गमसुम हो गए, गायब हो गए, लेकिन अभी जो ना स्टिल बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, साफ सुथरा है। और दिल करता है बस यहीं पे बस जाऊं, कुछ ना करूं, लेकिन क्या करें। तो ये देखें जी, बाकी ये गाड़ी मेरे दोस्त की गाड़ी है, इसने भी यहाँ पे खड़ा करके गया हुआ है। और हमजा में इस टाइम जो ना एप्रिकॉट का बहुत जबरदस्त सीजन है, ये देखें इस टाइम हमने जो ना एप्रिकॉट लगाए हुए हैं अंदर, अगर अंदर के साइड दिखा दूं तो ये सारा एप्रिकॉट है और सारे यहाँ पे इस तरह सल्फर लगा लेते हैं। और एप्रिकॉट को बेसिक सबसे पहले सल्फर लगा लेते हैं, सल्फर के बाद इसको डिहाइड्रेट यानी ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बेचते हैं, कुछ खाने के लिए भी रखते हैं। और इस टाइम खुबानी बहुत ज़्यादा है, एप्रिकॉट बहुत ज़्यादा है, उनमें में सारा एप्रिकॉट भरे पड़े। तो एक टाइम होता था कि मैं जो ना ये इन पहाड़ों में घूमता फिरता था, तो कुछ भेड़ बकरियां थी मेरी, तो उनके साथ लेके जो ना मैं ये ऊपर जितने भी पहाड़ हैं मैं यहाँ फिर चुका हूँ, इन पहाड़ का चप्पा चप्पा मुझे पता है। तो उस टाइम ये देखो इसके बैक साइड पे ना ये पहाड़ है, इसके बैक साइड पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसको हम कहते हैं शिशपर ग्लेशियर। अगर शिशपर ग्लेशियर को क्रॉस करोगे तो उसके पीछे एक पहाड़ है, पहाड़ के पीछे फिर बटुरा ग्लेशियर है, बटुरा ग्लेशियर फिर पीछे वाखान कॉरिडोर लगता है, चिपुरसा एक गांव है, चिपुरसा के बैक साइड पे फिर वाखान कॉरिडोर लगता है। ये है पूरा, ये पूरा मैं इस चप्पे चप्पे का पता है मुझे। तो आ जाए, थैंक यू वेरी मच। और बंद, अब हम दूसरे उधर से चलते हैं, तो चलें जी। और आयो दूसरे गेट से चलते हैं, ये तो बंद हो गया। और सुबह का इतनी ठंडी ठंडा मौसम है ना, और यकीन मानो कोई शोर नहीं है, न कोई गाड़ी का धुआं है और कुछ भी नहीं है। अगर हम बोले ना कि जन्नत कैसा है, मैं कहता हूँ हमजा आ जा, मैं बताता हूँ जन्नत कैसा होगा। जन्नत अल्लाह पाक ने जो ना हमें दुनिया में जन्नत दिया है, और कभी कभार मैं सोचता हूँ हम जैसे खुशनसीब लोग कौन होंगे जिनको अल्लाह पाक ने इतने नियमतों से नवाजा है। ये मेरा घर है जी, और ये कुछ चेरीज है, चेरीज अगर मैं खाऊं तो बड़े मजे के है। ये सारे चेरीज है मेरे, ये है जी चेरीज, हमजा का जबरदस्त चेरी। और रास्ते में हर जगह कहीं से भी खा सकते हो। ये देखो जी, ये ऊपर देहरान पीक है, ये वाला ये देहरान पीक है, इससे बैक साइड पे जो ना वो गोल्डन पीक होता है। ये है जी मेरे खेत,
इसमें भी सारे चेरीज है। ये ऊपर ये जो नजर आ रहा है आपको, ये अनार है। अनार अभी बिल्कुल पक नहीं चुके, फूल फूल ही है। ये भी अनार है, ये भी अनार है। वाई वाई वाई, ये मेरी गाड़ी खड़ी है हंजा के लिए। ये बेस्ट गाड़ी है मेरे पास। इसकी रीजन क्योंकि ये चढ़ाई 4x4 है, कोई भी चढ़ाई चढ़ने के लिए बेहतरीन गाड़ी मेरे पास ये है। ये जी मेरा छोटा सा घर हंजा में, ये घर है मेरा, ये सहन। और अब इसको देखें, ये मैं पलट रही है, ये वाला, ये मैं टार्च उतारू। अभी रोशनी होगी, टार्च की जरूरत नहीं है। रात को मैं पानी दे रहा था खेतों में, इस वजह से मैंने टार्च लगाया था। ये मैं पलट रही है, ये तकरीबन अगर इसको देखेंगे तो ये ट्री तकरीबन 350 से 400 साल पुराना है। ये बहुत मतलब मेरे परदादे के बाप के दादा के टाइम का है, इतना पुराना ये। और ये जो ना मैपल ट्री सिर्फ इधर हमारे पास है, एक इससे पुराना एक टर्की में है, दूसरे नंबर पे ये है जो कि बहुत ज्यादा पुराना है। इसकी वजह, इसकी खसूसियत ये है कि इसकी लकड़ी बहुत ज्यादा सख्त होती है, अखरोट से 10 गुना ज्यादा सख्त होती है। अगर आप कील इसमें ठोकेंगे ना, कील टेढ़ा होता है, उसके अंदर नहीं घुसता, इतना सख्त होता है। और ये है जी जन्नत नजीर हंजा। ये पहाड़, ये बहुत बड़ा चेरी है। ये चेरी इस साल हमने सिर्फ इस चेरी से तकरीबन कोई 22,000 के चेरी बेचे थे, 22,000 का। थैंक यू। हम आए हुए हैं बाबा गोंदी स्थान। वाह, ये है चिपुरसन वैली। वेयर आर यू गोइंग? ये यहाँ का दरिया साथ साथ जा रहा है। ये दरिया सिंध यहाँ से शुरू होता है, ये पूरी दरिया सिंध। ये रास्ता अंदर जा रहा है, ये अफगानिस्तान आगे शुरू होता है, इस साइड से ताजिक शुरू होता है। अच्छा, ये जो अंदर जो जगह है, यहाँ से अफगानिस्तान कॉरिडोर शुरू होता है। और जो वाखान, अफगानिस्तान की जो पहला इलाका है, वो इस साइड पे वाखान है। और ये जो साइड है, यहाँ से वो शुरू होता है, वो किर्गिज़ यहाँ पर है, पामेर और वाखी उस साइड पे है। तो ये तकरीबन तीन एरियों का जंक्शन है। और फौजियों वायु ने हमारा जो ना आईडी कार्ड ले लिया, फिर हमें आगे आने दिया। वो कह रहे थे बॉर्डर तक आने से पहले आप लोग जमा करवा दें। यहाँ से जो ना एक पानी भी निकलता है चश्मे का, बहुत प्यारा सा अच्छा सा पानी है। और यस, दिस वन, ये पानी शुरू होता है, शुरू यहाँ से होता है, जो हमारा क्या कहते हैं, दरिया सिंध का पानी यहाँ से शुरू होता है। ये सीधा स्टार्टिंग से लेके दरिया हंजा स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद स्कर्दू, फिर सवाद, फिर इसके साथ मर्ज होते 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 फिर सारा वो आगे निकल जाता है इंडस की तरफ। तो ये पहला स्टेप है इसका। बड़ी प्यारी जगह, यहाँ पर इंसान कोई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और है तो वो
यॉर्क है, यॉर्क ज़्यादा है यहाँ पर, बाकी इंसान नहीं है। हम काफ़ी कल से देख रहे थे ये छोटे छोटे पहाड़ों पर, ये बस यहाँ से पिघल के आते हैं ये पानी। अफगान कॉरिडोर, वाहन पट्टी। मैं हूँ इस टाइम पे यहाँ पे, मेरे पीछे जो इलाका नजर आ रहा है ये पामेर की जगह है जहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है, और वाखान इस साइड से शुरू होता है, इस साइड से पामेर, और इस साइड पर ज़्यादातर जगह वो यॉर्क लेके आते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, भेड़ बकरियाँ यहाँ पे किर्गिज बड़े सस्ते दामों में देते हैं, और अगर पामेर और किर्गिज से वो लेका होगा ना तो समझ दो $5 का एक बकरा मिल जाता है। तो देख ले हमारे पाकिस्तान में वो कितना है। जगह बहुत खूबसूरत है, पता है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ गंदगी नहीं है, साफ सफाई है, और बड़े मज़े की जगह है। और हम रात को आए थे, हम ठहरे यहाँ पे, बड़े मज़े किए, और अभी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट गांव कौन सा है ना? नेक्स्ट जोधखोन। जोधखोन से आगे फिर हम उधर से पंजेशा से टच करते हुए जाएंगे। ये पूरा अफगान कॉरिडोर। ऊपर से जो ना वो सारा तुगयानी आता है गर्मियों में ना, तो तुगयानी की वजह से ये सारा ऐसा हो गया, ये सारा नजर आ रहा है। ये देखो, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, माशाल्लाह। Come.
जो कि इंडस रिवर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो कच्चे रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, रास्ता बहुत खतरनाक है, कच्चा भी है। अगर किसी ने आना हो तो कार से कभी नहीं आएगा, कार शार के बस की बात नहीं है जब तक 4x4 गाड़ी आपके पास नहीं है। بی گوشه یه گلشر بس که بیشه نیچی بی تلاله سیبانی تیر رو پس بایی آچه آچه تمام یار باندری هم ایس لگه می بی بس باندری هم پیه آچه بس باندری هم سر پی برو گلو ایتی کتا بیلا بی دیکھیں چی گلشر لیک پورا گلشر पूरा पाकिस्तान का पानी यहां से निकलता है। Thank you.
न्यूयॉर्क बेसिक बर्फानी जगहों में होता है और ये जो ना बर्फ ऊपर होता है ये जो ना नाक से नीचे ब्लो करता है तो नीचे से जब सूखी घास निकलता है वो खाता है ये और ये गर्मी में मर जाता है, गर्मी सर्वाइव नहीं कर सकता ये, इसलिए अभी यहाँ पे इतनी ठंडी है फिर भी पानी में बैठा हुआ है, इसकी ये खसूसियत है, ये बेसिक बर्फ में रहते हैं। कश्ती रानी करनी है, जो करना है कर सकते हैं।